इसके बाद एक बार फिर आप सबको शामिल करता हूं राष्ट्रभक्ति की असली पहचान के अपने इस अभियान में। आपने सबसे पहले कराहने की आवाजें सुनी थी। आपने जरूर ही सोचा होगा कि यह दर्द भरी ये आवाजें आखिर किसकी हैं? ऐसे खपे हुए देशभक्तों की लंबी फेहरिस्त की छोटी बानगी आप देख चुके हैं। ये अनाम देशभक्त आज अपनी जिंदगी घसीट रहे हैं। इन्होंने देश की सेवा में खुद को मिटा दिया, पर सरकार ने उन्हें न नाम दिया न इनाम। यही असली सियासी राष्ट्रवाद है। आप यह जानकर हैरत करेंगे कि रॉ के लिए जो एजेंट्स चुने जाते हैं, सरकार उनकी मूल पहचान ही मिटा देती है, उनका मूल शिक्षा प्रमाण पत्र रख लेती है और किसी भी सरकारी या कानूनी दस्तावेजों से उसका नाम हटा देती है। मनोज रंजन दीक्षित इसकी पुष्टि करते हैं। दीक्षित कहते हैं कि नजीबाबाद स्थित एमडीएस इंटर कॉलेज से उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के साहू जैन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। मनोज रंजन दीक्षित वर्ष 1984 में रॉ के टैलेंट हंट के जरिए चुने गए थे। रॉ के लिए चुने जाने के बाद उनसे स्कूल और कॉलेज के मूल प्रमाण पत्र ले लिए गए। जब वे 21 साल बाद अपने घर लौटे तो उनकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उन्हें बताया गया कि एक सरकारी दस्ता वर्षों पहले उनके घर से उनकी सारी तस्वीरें ले जा चुका था। राशन कार्ड से मनोज का नाम हट चुका था। सरकारी दस्तावेजों से मनोज का नाम डिलीट किया जा चुका था। भारत सरकार ऐसी घिसीपिटी लीक पर क्यों चलती है, यह समझ में नहीं आता। भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी ही यह सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका, चीन, इजराइल, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे तमाम देश अपने जासूसों की हद से आगे बढ़कर हिफाजत करते हैं और उनके परिवारों का ख्याल रखते हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक अपने एजेंटों को सुरक्षा कवच और आर्थिक संरक्षण देती है, लेकिन भारत सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती क्योंकि सत्ता सियासतदानों को इसमें वोट का कोई फायदा नहीं दिखता। मनोज रंजन दीक्षित को रॉ के टैलेंट फाइंडर जितेंद्र नाथ सिंह परिहार ने चुना था। एक साल की ट्रेनिंग के बाद दीक्षित को जनवरी 1985 में भारत पाकिस्तान सीमा पर मोहनपुर पोस्ट से लॉन्च किया गया था। दीक्षित के साथ एक गाइड भी था जो उन्हें पाकिस्तान के पल्लो गांव होते हुए बंबावली रावी बेदियान नहर पार कर लाहौर ले गया और उन्हें वहां छोड़कर चला गया। उसके बाद से दीक्षित का जासूसी करने का सारा रोमांच त्रासद कथा में तब्दील होता चला गया। 23 जनवरी 1992 को सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर से गिरफ्तार किए जाने तक दीक्षित ने जासूसी के तमाम पापड़ बेले, खोमचे घसीटे। लाहौर, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर जैसे तमाम शहरों में आला सैन्य अफसरों से लेकर बड़े नेताओं तक की जासूसी की और दुबई, कुवैत, कतर, हांगकांग, सिंगापुर जैसी जगहों पर बैठे रॉ के बड़े अफसरों के जरिए भारत तक सूचना पहुंचाई। रॉ ने हैदराबाद के आमिर आलम के जरिए दीक्षित को अफगानिस्तान भी भेजा, जहां जलालाबाद और कुनर में उन्हें अहले हदीस के चीफ शेख जमीलुर रहमान के साथ जोड़ा, उनके साथ अटैच किया। वहां के संपर्कों के जरिए दीक्षित पेशावर में डेरा जमाए अरब मुजाहिदीन के सेंटर बैतुल अंसार पहुंच गए और जिहादी के रूप में ग्रुप में शामिल हो गए। दीक्षित बताते हैं कि बैतुल अंसार पर ओसामा बिन लादेन और शेख अब्दुल रहमान जैसे आतंकी सरगना पहुंचते थे और सेंटर को काफी धन मिलता था। 23 जनवरी 1992 को दीक्षित को सिंध प्रांत के हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दीक्षित की यंत्रणा यात्रा शुरू हुई। पहले उन्हें हैदराबाद में आईएसआई के लॉकअप में रखा गया, फिर उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस की 302वीं बटालियन में शिफ्ट कर दिया गया। हैदराबाद से उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस की दूसरी कोर के कराची स्थित मुख्यालय भेजा गया। पूछताछ के दौरान दीक्षित को बर्बर यातनाएं दी जाती रहीं। पिटाई के अलावा उन्हें
सीधा बांधकर 9-9 घंटे खड़ा रखा जाता था और कई कई रातें सोने नहीं दिया जाता था। करीब एक साल तक उन्हें इसी तरह अलग अलग फौजी ठिकानों पर टॉर्चर किया जाता रहा और पूछताछ होती रही। इस दरमियान दीक्षित के हबीब बैंक के हैदराबाद और मुल्तान ब्रांच के अकाउंट भी जब्त कर लिए गए और उसमें जमा होने वाले धन के स्रोतों की गहराई से छानबीन की गई। 21 दिसंबर को उन्हें कराची जेल शिफ्ट कर दिया गया। 5 महीने के बाद जून 1993 से दीक्षित पर पाकिस्तानी सेना की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ और उन्हें कराची जेल से 50वीं SNT यानी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कोर को हैंडओवर कर दिया गया। इस दरमियान दीक्षित को पाक सेना की 44वीं फ्रंटियर फोर्स, जिसे FF भी कहते हैं, के क्वार्टर गार्ड में बंद रखा गया। वर्ष 1994 में दीक्षित 21वीं आर्म्ड ब्रिगेड के हवाले हुए और उन्हें 51 लांसर्स के क्वार्टर गार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच मेजर नसीम खान, मेजर सलीम खान, लेफ्टिनेंट कर्नल हमीदुल्ला खान और ब्रिगेडियर रुस्तम दारा की फौजी अदालत यानी कोर्ट मार्शल में मुकदमा चलता रहा। दीक्षित कहते हैं कि कोई कबूलदारी और सबूत न होने के कारण पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सिंध प्रांत के सिविल प्रशासन के हवाले कर दिया। सिंध सरकार ने वर्ष 2001 में ही दीक्षित को भारत वापस भेजने यानी रिपैट्रिएट करने का आदेश दे दिया था, लेकिन वह 4 साल तक कानूनी चक्करों में फंसता निकलता आखिरकार मार्च 2005 में तामील हो पाया। मनोज रंजन दीक्षित को 22 मार्च 2005 को बाघा बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया गया। रॉ के मिशन पर पाकिस्तान में 21 साल बिताने वाले मनोज रंजन दीक्षित 13 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे। भारत लौटने पर भारत सरकार के एक नुमाइंदे ने उन्हें 2 किस्तों में 1,36,000 रुपये दिए और उसके बाद फाइल क्लोज कर दी। पाकिस्तान की जेल से निकलकर दीक्षित भारत के अधर में फंस कर रह गए। जीने के लिए उन्हें ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ी। फिलहाल वे राजधानी लखनऊ की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं। पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कीमोथेरेपी और ऑपरेशन के बाद भी इलाज का क्रम जारी है। लखनऊ के ही नूर मंजिल मानसिक रोग चिकित्सालय में उनकी मानसिक विक्षिप्तता का इलाज भी चल रहा है। अल्प वेतन में बीमार पत्नी के साथ जिंदगी की गाड़ी खींचना दीक्षित को मुश्किलों भरा तो लगता है, लेकिन वे कहते हैं पाकिस्तान की यंत्रणाएं झेल ली तो अपने देश की त्रासदी भी झेल ही लेंगे। दीक्षित कभी प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं तो कभी मुख्यमंत्री को। सारे पत्र वे अपने साथ संजो कर रखते हैं और उन्हें दिखाकर कहते हैं, जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरमर के जीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। आपने उन तमाम अनाम जामबाजों के बारे में जाना और आपने ये समझा होगा कि जो मनोज रंजन दीक्षित हमारे साथ मौजूद है, और मैंने चूंकि ये स्टोरी, ये पूरी की पूरी कहानी खुफिया तंत्र को लेकर थी, इसलिए थोड़ा रहस्य मैंने बनाए रखा और मनोज रंजन दीक्षित को अपने साथ शामिल रखा। मनोज रंजन दीक्षित से आपको मिलवाएंगे, उसके पहले आपको ध्यान दिला दें, और ये बहुत ही, मैंने पहले भी कहा कि कितनी त्रासद बात है कि यह जो आप एक दर्दनाक आवाज सुन रहे थे, और मैंने शुरुआत में भी आपको दिखाया और सुनाया कि आपने एक दर्दनाक आवाज सुनी, एक महिला लेटी हुई है और पीड़ा में छटपटा रही हैं और उनकी एक दर्दनाक आवाज, और यह हमारी, चूंकि दर्शक दीर्घा के सामने में यह खबर लानी थी तो उसको टेप करते हुए, उसको रिकॉर्ड करते हुए भी वो एक पीड़ा के दौर से गुजरना था, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी भी थी, यह हमारा दायित्व भी था कि उसको हम आपके सामने रखें। और वह जो महिला है वो मनोज रंजन दीक्षित की पत्नी है, जो कैंसर से पीड़ित है और जिसने जीवन के इतने झंझावात देखे हैं, इतने झटके खाए हैं कि वो महिला, वो मानसिक तौर पे टूट गई और अब उसका लखनऊ में नूर मंजिल जो हॉस्पिटल है, मानसिक रोग चिकित्सालय है, उसमें इलाज चल रहा है।
कीमोथेरेपी हो रही है, कैंसर झेल रही हैं, और मनोज रंजन दीक्षित अभी तक पाकिस्तान की जेल झेल रहे थे, अब वो भारत में, आजाद भारत में अपनी यह विरासत, अपना यह शौर्य और उसका यह पुरस्कार झेल रहे हैं। मैं अब सीधे ले चलता हूं और आपको मनोज रंजन दीक्षित, जो रॉ के एजेंट रहे हैं और एक योद्धा मैं मानता हूं, इसलिए कि ये ऐसे योद्धा हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, आप सीधा उनके पास चलिए और मैं आपको सीधे रूबरू करा रहा हूं। हमारे बीच मनोज रंजन दीक्षित जी बैठे हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं माफी चाहता हूं इसलिए कि पूरा कार्यक्रम निकल गया और आप यहां बैठे रहे, लेकिन आपकी तरफ मैंने जानबूझकर कैमरे का फोकस नहीं होने दिया, इसलिए कि हमारी जो दर्शक तीर्घा, उसके अंदर में एक जिज्ञासा थी कि मनोज रंजन दीक्षित कौन है। तो आप सामने में हैं मनोज जी, आपका फिर मैं स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। और यह जो लंबी बात मैंने कही, यह मुझको भी लग रहा था, मैं जब ये बात कह रहा था तो मुझको ये लग रहा था कि मैं मनोज रंजन दीक्षित के बारे में एक लंबा चौड़ा व्याख्यान दे रहा हूं, लेकिन मैं दीक्षित जी आपको हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि आप जैसे योद्धाओं के लिए मुझको पूरे दिन भर बोलना हो तो मैं बोलने के लिए तैयार बैठा हूं। और मैं सीधे आपको अपनी दर्शक दीर्घा से रूबरू कराता हूं। मनोज जी, आपने जो पीड़ा झेली है, और यह जैसे मैं बैक स्टेज आपसे मैं कह रहा था कि इस स्टोरी का चयन भी, चूंकि हमारी आपसे मुलाकात जो पहले हुई उस पर मेरे दिमाग में यह बात चल ही रही थी कि इस पर, और अचानक यह जो युद्ध का जो एक ऑरा खड़ा किया गया, और मैं ये कहता हूं, बहुत ही सोच समझ के कहता हूं कि यह युद्ध का एक नियोजित ऑरा खड़ा किया गया। और इस नियोजन में लोग भूल जाते हैं कि वो अनाम योद्धा जो अपनी जान देते हैं, पाकिस्तान में तमाम प्रताड़नाएं सहते हैं, उसके बारे में केंद्रीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, एनटीआर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जो तमाम शाखाएं हैं, लेकिन जिनके बूते पर सूचनाएं पाते हैं उन लोगों की उपेक्षा क्यों, इसके बारे में हम आपके पास आएंगे। लेकिन दीक्षित जी, एक स्पेसिफिक सवाल, चूंकि अभी मौजूद जो समय है, युद्ध का जो माहौल रहा, तो मेरे जो सूत्र हैं और मेरे जो मित्र हैं, सूत्र नहीं कहूंगा, जो आपकी दुनिया के लोग हैं वो सूत्र नहीं है, हमारे मित्र हैं, उन मित्रों का कहना है कि ये जो अभिनंदन जो वहां पकड़े गए, पाकिस्तानी चंगुल में पकड़े गए, और उस चंगुल में उन पर हिंसा ज्यादा नहीं हो पाई, उनकी जो जान बच गई, उसके पीछे भी रॉ के जो छुपे हुए भीड़ में जो एजेंट्स हैं और जो साथी हैं, उनका एक विशेष एक रक्षा कवच उनको मिला। और मैं अब आपके पास सीधे आता हूं और एक बार फिर आपकी जुबानी अगर लोग सुनेंगे तो उनको ज्यादा एक बात भी समझ में आएगी कि आप फिर से एक बार फ्लैशबैक में आए और आपके साथ कैसे कैसे क्या हुआ, ये हमारी जो जनता दीर्घा है, दर्शक दीर्घा है, उससे जरूर बताएं। मैं सन 1985 में नासिर परमार जी ने मेरा सिलेक्शन किया था, और उन्होंने उस समय तो हमारी नई उम्र थी और जज्बा भी था देशभक्ति का, और हमसे कहा कि देश की सेवा करनी है और ये काम देश के लिए करना है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने ले आके हमें हमारा सिलेक्शन कराया और उसके बाद उसी साल हमें लॉन्च कर दिया। फिर वहाँ पे जो है हम अपनी ड्यूटी यथाशक्ति अपना निभा रहे थे, जैसी हमसे हो सका किया, और इस दरमियान में हमने अपने आप को सेफ करने के लिए, चूँकि वहाँ पे एक मुजाहिदीन का माहौल बना हुआ था, जिन्हें अब उस समय अमेरिका मुजाहिदीन कहते थे और अब दहशत गर्द थे, वो लोग हमारे खिलाफ भी लड़ रहे, तो उन लोगों के साथ भी मैं काफ़ी हद तक शामिल रहा, उन तमाम लोगों को देखा और अपना काम भी करते रहे और उनका काम भी करते रहे। और फिर अचानक
चूंकि एक आईएसआई का एजेंट था अजीम जदौन, उसकी मैंने पिटाई कर दी थी, तो इस वजह से मुझे वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। अब चूंकि मेरा उन्हें कहीं से और छोर मिला ही नहीं कि मैं कहाँ कहूँ कहाँ नहीं, तो ये मुझे पता था अच्छी तरीके से, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई मैं इंडिया से आया हूँ और अनजाने में किसी के साथ आ गया था। उसके बाद मैं अपने उसी बयान पर डटा रहा। उन लोगों ने बतेरा टॉर्चर किया, लटकाया भी, और नौ नौ दिन तक दिन रात लगातार खड़ा रखा, कई बार हाथ पीछे हाथ कड़ों बांध देते थे, पाँव में भी हैंडकप डाल देते थे और खड़े रखते थे, सिर्फ खाने के लिए टॉयलेट पेशाब के लिए खोलते थे, और इस तरीके से बाकी पट्टे से मारना और डंडे से मारना और करंट देना, ये तो वहाँ पर एक मामूल है, कुछ नहीं है। और उन्होंने कई दफा वहां पर जब क्वेटा की हवा चलती है, यानी कि हमारी नहीं, मैं दीक्षित जी, मैं एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं कि जैसे जो हमारी जो दर्शक दीर्घा है, और मैं भी जब आपसे मिला तब थोड़ी बहुत जानकारी हो पाई, लेकिन मुझको ये जानना है कि जैसे आप तो बिजनौर के नजीबाबाद के रहने वाले हैं, तो नजीबाबाद में आपका जब एडुकेशन हुआ, किस तरह से आपको वो जो सिलेक्टर्स जो हैं रॉ के, उन लोगों ने किस तरह से आपको चुना और किस तरह से लॉन्च किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उन्होंने नजीबाबाद में ही हमें बताया सारा इसके बारे में। हम नौकरी की तलाश में थे, ग्रेजुएशन कर गए थे, हमारे पिताजी भी जोर दे रहे थे भाई कहीं नौकरी तलाश करो तलाश करो, तो हम अपने कांग्रेस के विधायक से भी जो थे रतिराम सिंह, उनसे भी वहीं पे ये आते थे, वो हमें मिले और उन्होंने हमें बताया कि भाई नौकरी है इस तरीके से, और पाँच साल तक जो है वहाँ जाना है, वर्कआउट करना है, उसके बाद अपने देश में नौकरी और पैसा वगैरह सब कुछ उन्हें जब इतना मिलेगा ये मिलेगा सब उन्हें बताया। तो चूंकि देश की सेवा थी और देशभक्त तो हमारा परिवार शुरू से ही रहा है, तो इसलिए हमने उसको सहज स्वीकार किया कि मतलब देश की सेवा भी होगी और हमारी आजीविका का साधन भी चलेगा ये सोचकर, और वहाँ पर जाने के बाद फिर हमारा सिलेक्शन हुआ दिल्ली में। तो फिर ट्रेनिंग किस तरह से हुई आपकी ट्रेनिंग? अब देखिए ऐसा है कि अब आप तो एक तो रॉ के एजेंट अब नहीं है आप, और दूसरा यह है कि मैं हमेशा कहता हूं और कई बार डिबेट्स में भी कहता हूं कि अब वो दौर नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें जैसे सेना के अधिकारी 1926 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बता के अपने आप को वो चुप रखते हैं, जबकि वो अंग्रेजों के जमाने का एक्ट बना हुआ है और उसका आप कोई प्रसंग नहीं रहा। मैं उसी तरह से कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको लगता हो कि ये देश के वो जिसको कहते हैं क्लासिफाइड है, तो आप वो चीजें ना बताएं, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि ट्रेनिंग का आप स्थान ना बताएं, ट्रेनिंग का मोटर सुप्रेंडाई बताएं, किस तरह से आपको ले जाया गया, क्योंकि मुझको ये जानकारी है कि जिस तरह से आप जो रास्ता आपका जो रूट था जाने का, वो रूट मैंने दर्शक दीर्घा को बताया भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो हमें यहाँ से ट्रेनिंग के बाद जो है लॉन्च करते समय पंजाब के माध्यम से जो रास्ता आपने बताया वहीं से ही क्रॉस करते, और हो सकता है अब क्या हो क्या नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता अपने इसके बारे में, क्योंकि काफी समय से मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। तो उन दिनों जो था पंजाब से हमें लॉन्च कराया गया, हम घुसे, और तब इतनी शक्ति भी नहीं थी, ये जो पूरे बॉर्डर पर फेंस जो लगी हुई है इस समय वो तब नहीं थी, उन दिनों सारे बॉर्डर खाली थे और लोग अमूमन आते थे जाते थे, बल्कि बॉर्डर के लोग तो पाकिस्तान के निकटवर्ती गांव के लोग तो इंडिया में चाय पत्ती वगैरह खरीदने के लिए आते थे, और यहाँ से यहाँ के लोग वहाँ से सामान लेने, हत्ता कि कच्छ में तो शादियां भी पूरी पूरी पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान होती थी। जब बॉर्डर पे सख्ती नहीं थी तब एक तरीके से फ्री था, अब तो इस समय बॉर्डर बिल्कुल सख्ती से बंद है। देखिए जी, एक बार बीच में फिर आपको रोकता हूँ, ये जानने की इच्छा भी है, और मैं जब आपके संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स देख रहा था तो उन डॉक्यूमेंट्स में ये पाया मैंने कि आप जो है फराटेदार उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू जानते हैं, और यहाँ तक कि आपने छद्म वेश में आपने वहां कई मस्जिदों में मुल्ला का भी रोल अदा किया, और इस जासूसी के क्रम में और नमाजें पढ़ाई
बिल्कुल पढ़ा। तो ये कैसे उर्दू कैसे सीखा, किस तरह से ये आपकी ट्रेनिंग हुई? नहीं, गवर्नमेंट मरने के लिए नहीं भेजती, काम करने के लिए भेजती है और ट्रेन करके भेजती है सब कुछ, जहाँ जो मोटो है हमारा उसको पूरा करने के लिए ट्रेंड करके भेज, सब कुछ सिखा पढ़ा के भेजती है। अच्छा, आपका कैसे कैसे जो जो वहाँ कई स्थानों पर जो जिक्र आया है दस्तावेजों में भी कि आप कई कई स्थानों पर रहे, अफगानिस्तान, पेशावर और वो, तो जहां जहां भी गए आप जी, और जैसे मुजाहिदीन जो गुट हैं और अलग अलग जो आतंकी गुट हैं उन लोगों के बीच रहे, यहां तक कि ओसामा बिन लादेन और ये सब भी जो, तो इसके बारे में थोड़ा सा अनुभव बताएं, क्योंकि ये थ्रिलिंग अनुभव है थोड़ा सा। वो लोग जो थे अब मजहबी सोच उन्हें कुरान और हदीस से वो उन्हें पिलाई गई थी एक जो के, और वो इतना उस समय CIA दरअसल बिल्कुल पीछे थी और कोल्ड वार चल रहा था और पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहिदीन की संस्थाएं बनी हुई थी, चलो भाई जिहाद है इस तरीके से, अभी भी है वहाँ पे तकरीबन कोई मस्जिद, हर मस्जिद किसी ना किसी तंजीम से अटैच है, और वो मौलवी लोगों का यही काम है कि लोगों को, बच्चों को बहकाना। और चूंकि उस समय मैं भी, मुझे कहा भाई, मैं बताता था कि भाई मेरे माता पिता कोई नहीं है, तो नहीं क्या तुम्हारा तो बहुत अच्छा है तुम, उन्होंने मुझे दावत दी भाई तुम चलो जिहाद पे तो तुम्हें ये होगा, जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगी वगैरह वगैरह, इस तरीके से उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो पहले जाना चाहिए। तो इत्तेफाक से मुझे शक पड़ा कि मेरी कहीं बात हो रही है, तो मैं इस वजह से अपने आप की जान बचाने के लिए, जब कभी शक पड़ता था मैं उस तंजीम के साथ चला जाता था। तो वो लोग जो थे शुरू में तारिकुल मुजाहिदीन एक तंजीम थी, बाद में जमे तलेदीस यहाँ पे सईद वगैरह, और फिर उस समय उसामा बिन लादेन, अबू अब्दुलरहमान सुराई और इब्नुल खत्ताब, मैंने सुना कि वो चीचन में मारा गया, इस तरीके से काफी लोग ऐसे थे। और वहां तो आपका रॉ के साथ, आप जहां जहां भी रहे, आपका रॉ के साथ जो आपके जो आला अधिकारी जिनको आप रिपोर्टिंग, जो आपके रिपोर्टिंग, हम अपनी रिपोर्ट करते तो कैसे करते थे वो, क्या मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी, तौर तरीका क्या होता था? नहीं थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा बताएं। तो मतलब बस बोलते थे, भेजते थे गवर्नमेंट को अपनी सूचित करते रहते थे, और बाकी कुछ इशारे थे कुछ कोर्ट से उनके जरिए वगैरह। मैं आपके आपके इस अप्रोच को फिर दर्शक दीर्घा के सामने भी रखता हूं और ये कहता हूं कि आप देख रहे हैं ना इनको, ये अभी भी अपनी जो सिक्रेसी है, अपना जो एक चीजों को गुप्त रखने का जो एक जज्बा है, ये एक प्रकृति है इनकी, ये प्रकृति हो गई है। लेकिन ये अच्छा है कि मनोज जी ने ये बात कही और यह बात कहने का मुझको मौका दिया कि एक तरफ सरकारों का इसलिए कि तमाम दौर, कई सरकारें आई और गई, सरकारों का क्या रवैया है, सरकारें इनको लेकर किस तरह से उपेक्षा का भाव रखती हैं, और इनके प्रति अभी भी वफादारी का यह भाव है कि वो यह बताने से भी हिचक रहे हैं कि वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को अपनी खबरें कैसे भेजते थे। मैं आपके इस जज्बे को बहुत ही आदर देता हूं, लेकिन फिर भी मेरी एक जिज्ञासा तो है ही कि आप खबरें वहां से भेजते कैसे थे, और ये बताएं कि पैसा और आजीविका कैसे आपकी वहां चलती थी? पैसा वहां पे अकाउंट खोल लिया था हमने, तो वो हम मैसेज करते थे और ये जो है उस अकाउंट में किसी कहीं ना कहीं से हमें आ जाता था हमारे पास। तो कहीं ना कहीं से मतलब कहां से? मतलब किसी भी देश से, वहां के अलावा किसी भी देश, किसी भी देश से आता था। तो वो किसी भी देश में बैठे हुए जो रॉ के ऑफिसर्स होते होंगे उनकी जिम्मेदारी होती होगी कि वो पैसा भेज दें। हाँ, उस जमाने में तो सारी दुनिया, सारी एजेंसी ऐसे ही करती है, आज भी ऐसे ही करती है, पैसा देना होता है। पाकिस्तान डायरेक्ट इंडिया में नहीं देगा, इंडिया डायरेक्ट पाकिस्तान में देगा, रशिया अमरीका में नहीं देगा, अमरीका रशिया में नहीं देगा, कहीं और से ही अपने एजेंटों को पैसा। आज का दौर अगर रहता दीक्षित जी, तो आज के दौर में तो चीजें काफी जो इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजें होने लगी हैं, हाँ। तो उसमें तो चीजें पकड़ में आती होंगी। तो आज के बारे में क्या लगता है कि आपको आज जो एजेंट होंगे वहां, उनको पैसे वगैरह कैसे मिलते होंगे? पता नहीं, कह नहीं सकते इस बारे में तो कुछ, मतलब हो सकता है किस तरीके से मिलते नहीं, लेकिन वहां के सूत्र जो होते होंगे, जो वहां के स्थायी जो सूत्र हैं,
भाई एजेंसी के तो अपने स्थायी सूत्र भी होंगे, तो वो भी तो कैटर करते होंगे, वो भी तो देखते होंगे। हाँ देखते हैं, सब पहुंचाते हैं, सब कुछ करते हैं, हर देश करता है वो तो अपने अपने एजेंट्स के लिए। मगर लेकिन मैं ये चाहता हूं, चूंकि देखिए रिपोर्टिंग का करने वाला आदमी जो है वो संदेही होता है, और मैंने आपको सामने रखा और सब दर्शक दीर्घा के सामने में भी आपको मैं सामने रख के बात कर रहा हूं, और आप जब तक कुछ स्पेसिफिक नहीं बताएंगे, आप कुछ इलाके वहां के मोडस ऑपरेंडी, वहां के तौर तरीके, ISI के तौर तरीके, और चूंकि आप अंदर तक रहे हैं, जेल तक गए, कोर्ट मार्शल झेला, तो ये बातें अगर आप थोड़ा खुल के नहीं बताएंगे तो आपकी दर्शक दीर्घा है, आपकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि मेरे पास जो दस्तावेज हैं उस पर सरकार भले ही इनकार करे, लेकिन हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो पाकिस्तान की जेलों और पाकिस्तान के की अदालतों के दस्तावेज हैं, जो आपकी जमानत के लिए कुछ काम चलता होगा वो है। तो इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिक बताइए कि कहां कहां विवेक, गए, आर्मी के किस किस यूनिट्स में रहे, ये वहां पे बात तो आप बताएंगे, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए थोड़ी आप बैठे हैं हमारे। 18 डिवीजन में थी वहां पे, और 2 कोर के अंडर में थी जो कराची में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी शायद वहीं होगा। तो कराची गए और हैदराबाद, और फिर यहाँ से जब पेशावर की तरफ निकले तो शायद वहाँ पे जो इनका एबटाबाद में इनका मेन हेडक्वार्टर है, क्योंकि सारी ट्रेनिंग वगैरह ये सब कुछ एबटाबाद में होती हैं इनकी, उनकी कमांडोज की, आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी, सब ट्रेनिंग ज़्यादातर इनकी एबटाबाद में होती हैं। तो एबटाबाद इनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेंटर है पाकिस्तान आर्मी का, और इसीलिए उसामा बिन लादेन को भी वहाँ पास में इसीलिए उन्होंने छिपाया, ताकि जब तक वो चाहें तब तक उसको छिपाए रखें। और ये जो हमारे जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक की है बालाकोट पे, वो भी उसी के पास में ही है एबटाबाद, ये तकरीबन उसी समय से था जब मैं वहाँ बाहर था, मतलब 23 जनवरी 1992 से बहुत पहले से, 88-89 उससे भी पहले से शायद चल रही हो, लेकिन मुझे 88-89 जब से ये ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे और कश्मीर मुजफ्फ़राबाद के आसपास जो हैं पड़े हुए हैं, और जहाँ पे लोगों को रिक्रूट चलिए मैं करके। बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ, थोड़ा समय का भी तकाजा है और जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें जाननी है। अब मैं आता हूँ कि आप पाकिस्तान से जब आप छूटे, तो आप जब भारतवर्ष पहुंचे तब रॉ का आपके प्रति क्या व्यवहार था और कैसे उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ? मैं अपने घर पहुंचा, अपने घर पहुंचने के बाद होली का दिन था, होली उस रात जलनी थी 2005 में, उस रात अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद तो लोग तो शहर के जानते थे, पता नहीं कहीं मर गया, खप गया, किसी को कुछ पता नहीं था। तब मेरे भाई ने जो था लोगों को बताया, जैसे ही लोगों को पता चला मेरे शहर में बिजली की तरीके से हमारी खबर फैल गई एकदम से, और शहर से बड़ी बड़ी दूर से आया, जो पिताजी ने बताया कि भाई पाकिस्तान में कैद था मेरा बेटा इस तरीके से, तो मीडिया वाले और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए उस समय, तो उनको खैर बताया। और कुछ दिनों बाद जो था LIU के लोग आए, उन्होंने CID के, उन्होंने पूछा, तो उनको मैंने बताया कि भाई, इशारा दे दिया मैंने, भाई ऐसे तो उन्हें, तो मैं जब तक बोलना नहीं चाह रहा था कि क्या वजह है, और मैंने अपने मित्र जो मेरे मीडिया में थे, जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट किया सबसे पहले सहारा में, उनको ही मैंने मना कर दिया, मैंने भाई ये मामला सीक्रेसी का है, गवर्नमेंट का है, अभी कहना नहीं। खैर कोई बात नहीं, उसके 3-4 महीने नहीं, बाद। ये आप बताइए कि वो तो वो भी इंटरव्यू की क्लिप भी मैंने देखी है, लेकिन इसमें ये बात, ये जिक्र नहीं है कि आपके पास जो आदमी रो के आए हाँ बता और रहा हूँ, जिन्होंने किस्त में पैसे दिए, हाँ वो कौन था वो राहुल शख्स? सिन्हा, उन्होंने अपना नाम बताया था, मेरे पिताजी के पास आए मेरे पीछे, और उनसे बात करके मुझे अपना टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर दे के पिताजी को, और चले गए दिल्ली। फिर मैं दिल्ली गया, उनसे मिला, उस जो दिन जो समय दिया था, वो मुझसे इसे आम तौर पर एक पार्क में इस तरीके से मिले, जैसे पुराने दौर में जैसे हम पाकिस्तान में या किसी देश में एजेंट मीटिंग करते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, उसी तरीके से हम लोग मिले, और उन्होंने थोड़ा सा पूछा भी, और मुझसे कहा कि भाई ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, इधर थोड़ा अलर्ट रहना, ये खतरनाक है हमारे देश में, इसके लिए पूरी बेल्ट उत्तर प्रदेश की, आजमगढ़ वगैरह, नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ,
उबरे थोड़ा अलर्ट रहे ना, आजमगढ़ तो पूरब में है। बहरहाल उन्होंने हाँ। कहा ये पूरी बेल्ट, ये पूरी बेल्ट, ये बेल्ट जो है खतरनाक है और इसमें अपने आप बच के रहना, क्योंकि तुम्हारे बारे में टेलीकास्ट वगैरह हो चुका है। मैंने कहा ये अच्छा, उन्हें 36,000 रुपये दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा जी आप मुझे वही सर्विस दीजिए, सारा जीवन चला गया, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी दीजिए और किया, और इतनी मेरी हेल्प कीजिए कि कम से कम एक मकान और कोई दुकान कोई रोजगार खोल। नहीं, आप ये बताएं कि आपके पास जब वो आपको अपना मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो वो मकान और दुकान की बात कहां से आती है? नहीं, आप ये बताइए कि वो टोटल रॉ से कितने पैसे आपको मिले? मुझे शायद 1,36,000 बाद में 1,00,000 दिए उन्होंने। अच्छा। उसके 2-3 महीने बाद दिल्ली बुला के 1,00,000 रुपए दिए। उसके बाद उन्होंने फोन करता रहा उस नंबर पर, कुछ दिनों बाद वो नंबर मिलना बंद हो गया। बंद हो गया। तो आपने रॉ मुख्यालय में जानकारी हासिल की, रॉ मुख्यालय से संपर्क साधा आपने? नहीं, रॉ मुख्यालय में हमने संपर्क नहीं साधा, हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा, क्योंकि सब कुछ तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ही अंडर में है। हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को लिखा, उस समय मनमोहन सिंह जी थे, कई दफा लिखा जब, और उस समय की फिर मुख्यमंत्री को भी लिखा, जब हमारी कोई जवाब नहीं आया, कोई कई दफा इंक्वायरी आती थी और बस टाय टाय फिश, कभी कोई भी इंक्वायरी करने आ रहा, कभी कोई इंक्वायरी करने आया, उसके बाद होता कुछ नहीं था। तो फिर मजबूरन मैंने 2007 में भूखा मरता क्या ना करता, हमारे साथ वो कंडीशन हो गई, मैंने सबसे पहले मीडिया के सामने अपना। आप ये बताएं कि आपने ईंट भट्टे पर भी काम किया? हाँ, मजदूरी की। हाँ हाँ, कहाँ पे किया? लिब्बा रेड्डी गांव। अच्छा। लिब्बा रेड्डी हरिद्वार में जिले में आता है। तो यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखा है? हाँ, मौजूदा प्रधानमंत्री को लिखा आपने? मौजूदा को कई बार लिखा, इंटरनेट पर भी लिखा और मुख्यमंत्री को भी लिखा, और वहां से तकरीबन इंक्वायरी भी आई, एक दफा ATS ने इंक्वायरी करी मेरे ख्याल में, और कई लोगों ने इंक्वायरी की मेरी, और पुलिस से भी चीफ सेक्रेटरी मैंने मिलने के लिए टाइम समय मांगा तो उन्होंने हमारे थाने को भेज दिया कि भाई पता करो। अब बताओ, सब उनसे मांग रहा हूँ मैं तो, जानकीपुरम थाने में थोड़ा समय देगा, और उसके अलावा प्रधानमंत्री को लिख रहा हूँ तो वो यहाँ आ रही है, और वो CM के ऐप पर जो है आ रही है, और DM साहब से मैं टाइम मांग रहा हूँ, वो टाइम नहीं दे रहे DM लखनऊ, और कई दफा मैंने कोशिश की, कई प्रयास किए, लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखा आपने? मुख्यमंत्री को लिखा मैं, प्रधान मुख्यमंत्री जी के आवास पर गया भी, और वहाँ पे ये दिनेश शर्मा ही तो जानते ही हैं, उन्होंने थोड़ा प्रयास भी किया राजेंद्र सिंह जी से, लेकिन बाद में थक गए वो, उन्होंने हाथ जोड़ लिया भाई मेरे बस का नहीं है, लेकिन इस समय तो वो उप मुख्यमंत्री है, वो चाहते तो कर सकते थे, अगर उनके दिल में थोड़ा बहुत दर्द होता तो कर सकते थे, मगर उम्मीद है कि शायद ये योगी जी तक बात ना पहुंचती हो, अधिकारी वर्ग जो है वो ना पहुंचा। लेकिन हमारे पास जो दीक्षित जी जो दस्तावेज हैं और जो जो भी कागजात हैं उसमें यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से और जिलाधिकारी की तरफ से आपके पास रिस्पॉन्स आया? आया, और कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, बस यही आया मुझे जिलाधिकारी ने, मैंने मकान की और रोजगार नहीं की। ये जो नूर मंजिल में जो आपकी पत्नी का इलाज चल रहा है, या कैंसर का जो आपका इलाज चल रहा है, और राम मनोहर लोहिया में जो कीमोथेरेपी वगैरह हुई है, तो इस पर सरकार से कोई आपको मदद प्राप्त हुई? हाँ, ये अखिलेश यादव के दौर से ही कंटिन्यू मिल रही है। अच्छा, क्या मदद मिली? बस वो हॉस्पिटल में पैसा भेज देते हैं, उससे वो हॉस्पिटल का खर्चा तो और दवाएं वगैरह उठ जाती हैं, बाकी जो ऊपर का खर्चा है एक मरीज के पीछे 24 घंटे तीमारदार का जो खर्चा है, हर समय उसके साथ रहना, ये जो कीमोथेरेपी है या इसका जो खर्च है, ये सरकार की तरफ से आता है? हाँ, अभी तक तो सरकार की तरफ से आता है, वो पैसे आते हैं और वो जब खत्म हो जाते हैं तो फिर मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। मैं दूसरी बात अब आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, और मैं दर्शक दीर्घा से एक बात कह रहा हूँ कि सरकार ऊपर से ये नहीं मानती, मतलब आधिकारिक तौर पर ये नहीं मानती कि ये रॉ के एजेंट हैं। इनके सारे प्रमाण पत्र ये सामने बैठे हैं, और मैं ये खबर आपको बता भी चुका हूँ कि रॉ में भर्ती होने के बाद ही इनकी जितनी भी पहचान थी, इनके जितने भी रिकॉर्ड्स थे, वो सारे रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए, और यह पता नहीं किस युग का दिमाग है, ये किस युग की परंपरा है, कि जबकि हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं कि इज़राइल एक छोटा सा देश है, विश्व के मानचित्र पर दिखता भी नहीं है, लेकिन
इसराइल का एक जासूस भी विश्व के किसी भी कोने में अगर फंस जाए तो इसराइल उसको निकाल कर ही दम लेता है। इसके चलते चाहे जितनी भी उसको हत्याएं करनी पड़े या जो भी ऑपरेशन करना पड़े, यह हम लोगों के सामने में है। और रादर अब पूरे विश्व में यह चलन हुआ है, भारत को छोड़कर यहां तक कि आईएसआई भी अपने जासूसों को बहुत ज्यादा संरक्षण देती है और आर्थिक संरक्षण भी देती है, बिल्कुल देती है। भारतवर्ष एक अजूबा देश है। राष्ट्रवाद का नारा जरूर लगाते हैं हम, लेकिन हम राष्ट्रवाद की जो जरूरतें हैं, राष्ट्रवाद की जो अपेक्षाएं हैं, उस पर खरे नहीं उतरते। दीक्षित जी, अमूमन आप देखते होंगे कि मैं ये बात कह दूं, जो बात मैं शुरू कर रहा था वो ये बात कह दूं कि आपको पैसा देकर, जैसे आपकी पत्नी के इलाज के लिए जो भी छोटी सी राशि देकर सरकार कहीं ना कहीं ये प्रूव करती है कि सरकार आपको मानती है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं करती और इस पर अदालतें चुप रहती हैं। क्या आपने कभी अदालत का दरवाजा खटखटाया है? मैंने सुप्रीम कोर्ट एक दफा दो तीन दफा भेजा था जी, लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं आया। एक दफा फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजा था तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने मैंने बहुत शुरू में आने के बाद बहुत लिखा और अब भी लिख रहा हूँ और लिख रहे थे, पीछे नहीं हटूंगा मैं। गवर्नमेंट को जब तक कहता रहूंगा जब तक कि गवर्नमेंट या तो कर नहीं देगी या फिर हम दुनिया से चल नहीं जाएंगे, ताकि मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है और कहना भी है कि जो लोग आगे रहकर जिनकी सूचनाओं के आधार पर, जिनकी निशानदेही के आधार पर सारे ऑफिसर, सारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पूरा देश जिनके आधार पर काम करता है, उनको क्या पता कि आगे क्या है। वो तो वही बताते हैं जिनके आधार पर काम करता है, उनकी हमारे देश पे थोड़ी बहुत तो वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम जीने का अधिकार तो होना चाहिए। तो नहीं कि कोई रिक्शा चला रहा है और कोई कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ जो आईएएस कमीशन अफसर आईपीएस, उन्हीं की ही वैल्यू है ज्यादातर, वो सम्मान भी उन्हीं को दिए, चक्र बक्र परमवीर सब उन्हीं को मिलता है। इतने फौजी मरते बेचारे, सबको तो नहीं मिलता, हालांकि उनसे ज्यादा बहादुरी से लड़ते हैं। नहीं, रॉ एजेंट में भी केवल कुलभूषण जाधव का ही केस है जिसमें भारत सरकार ने पूरी कोशिश की है, और उसके पीछे वजह यह भी है कि कुलभूषण जाधव जो है वो कमीशन अफसर रहे हैं, नौसेना के कमीशन अफसर हैं, और उसके बाद वो रॉ में गए। लेकिन रॉ के जो सामान्य लोग हैं, रॉ में वो गए कि नहीं गए ये तो मैं नहीं मानता, मुझे नहीं पता। वो तो ठीक है, आपकी अपनी वो जो है, आप अपने तरीके से सोचते हैं, हम अपने तरीके से सोचते हैं, क्योंकि देश तो मेरा अपना है। हाँ, वो देश मेरा भी अपना है। ऐसा नहीं कि देश हम आप ही का है, देश हमारा अपना है। और जो भी जासूस हैं, वो ये एक खुली हुई बात है, बहुत सारे उदाहरण मैंने अभी पेश किए जिसमें गिरफ्तार और इस तरह के लोग हैं जिनको रॉ के लोगों ने ही वहां पर फंसवाया। बहुत अन्याय है हम लोगों के साथ, रॉ के लोगों ने ही फंसाया। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है, ये कौन सा देश है कि हमारा एजेंट पाकिस्तान में है और उसने इच्छा जाहिर की कि मुझको वापस लौटना है तो उसको केस में फंसवा दिया। तो थोड़ा थोड़ा समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा, बहुत सारी बातें हैं। और मैं दर्शक दीर्घा से चलते चलते ये कह दूं कि अभी तक आज की स्टोरी में थोड़ी सी तकनीकी बाधा हुई, हम उसके लिए माफी चाहते हैं, और लेकिन आपसे यह वादा करते हैं कि जैसे आज आपने देखा जितने भी अनाम और गुमनाम जो हमारे योद्धा हैं और जो अभी भी जीवन से युद्ध लड़ रहे हैं, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक परिचय दिया, ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है, मुश्किल है उसमें से चुनना, लेकिन किसी तरह से चुनकर बिनकर उसको सामने आपके रखा गया। मनोज रंजन दीक्षित भी उनमें से एक है। आपने ये जो दृश्य है यह देखा, मैं आपसे कहता हूं कि रॉ के इतने ढेर सारे गद्दार हैं, दीक्षित जी आप सामने बैठे हैं, रॉ में बहुत ढेर सारे गद्दार हैं जो रॉ का, इसलिए कि रॉ का जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, जो वित्तीय स्ट्रक्चर है, उसमें रॉ की ऑडिट नहीं होती, रॉ का जो खर्च है उसका कोई हिसाब नहीं होता, रॉ के बारे में कोई व्यक्ति पूछ नहीं सकता, केवल प्रधानमंत्री पूछ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछ सकता है, उनको इतना टाइम और वो पूछते नहीं है।
यहां तक कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी बातें, मैं अगली स्टोरी में यह उदाहरण दूंगा कि प्रधानमंत्री की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बहुत सारी बातें रॉ ने उसको ठेंगे पर रख दिया। इसको बहुत ही ऑथेंटिक और प्रामाणिकता के साथ हम आगे आपके पास लाएंगे, रॉ के बहुत सारे ढेर सारे गद्दारों के बारे में बताएंगे, आपको उन नेताओं के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने रॉ के बहुत सारे गोपनीय ऑपरेशंस लीक किए, अपने प्रतिद्वंदी देश को बताया और उस बताने की वजह से बहुत सारे रॉ एजेंटों की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। आप यह रहस्य और रोमांच बनाए रखिए, रोमांच में कोई मजा और मजेदार जैसी बात नहीं है, इस रोमांच में एक तकलीफ है, लेकिन वह रोमांच बना रहे। आज तकनीकी कुछ दिक्कतों के चलते आज हम वो पूरा प्रोग्राम आपको नहीं दिखा पाए, हम अगली बार या तो शनिवार को अगर तैयार हो गया तो शनिवार को आपके पास प्रोग्राम लेकर आएंगे, अगर पहले हो गया तो हम पहले भी कोशिश करेंगे कि वो प्रोग्राम आपके सामने दिखाएं, कि आप देखेंगे कि रॉ के कितने सारे ऑपरेशंस हुए जिसमें इन्हीं गुमनाम जो योद्धा हैं उनकी वजह से कितने बड़े बड़े कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई, झंडा लहराया भारतवर्ष ने, नेताओं ने तीरंदाजी की, पूरी पाकिस्तान का भी वो पूरा ब्यौरा आपके सामने देंगे। और उसके साथ साथ आपके सामने यह भी ब्यौरा रखेंगे कि किस तरह से रॉ के गद्दारों ने रॉ का शोषण किया, भारत का शोषण किया और CIA के साथ और तमाम अन्य एजेंसियों के साथ मक्कारी, मतलब भारत के साथ गद्दारी करके, उनके साथ मिलीभगत करके वो काम किया और अभी अमेरिका में अय्याशियां कर रहे हैं। हम ये सारी चीजें आपके सामने लाएंगे और हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको आज का प्रोग्राम, आज का विशेष कार्यक्रम कैसा लगा। हम फिर जल्दी मिलते हैं, नमस्कार। नमस्कार।